कृषि कानून को लेकर किसान पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन पर कांग्रेस भी जमकर राजनीति कर रही है। किसानों से ज्यादा आंदोलन को हवा कांग्रेस ही दे रही है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी किसान आंदोलन के बहाने मोदी को घेरने में लगे हैं। इस बीच दिल्ली से सटे बॉर्डर पर जहां किसान डटे हुए हैं, वहां कांग्रेस नेता पहुंचकर किसानों को भड़काने में लगे हुए हैं। बीते दिनों कांग्रेस नेता और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी किसान आंदोलन के बहाने बीजेपी को घेरने चले थे, लेकिन जोश जोश में दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी को निशाने पर ले लिया। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए दिग्विजय सिंह ने एक सभा के दौरान कहा कि हरियाणा पंजाब के किसान कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं और कांग्रेसी सो रहे हैं। दरअसल राजगढ़ में एक सभा के दौरान दिग्विजय सिंह कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, मगर हमारे एमपी के किसान भोले भाले हैं और यहां तो कांग्रेसी भी सो रहे हैं। फिर उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि किसान विरोधी कानून के खिलाफ आप लोग आवाज उठाइए। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले एक महीने से कृषि कानूनों के खिलाफ में किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान एमएसपी की लिखित गारंटी चाहते हैं और ये कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस आंदोलन में किसानों से ज्यादा रुचि कांग्रेस ले रही है। ऐसे में मोदी सरकार ने भी अपने मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की फौज उतार दी है, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच कृषि कानून पर हर दिन बहस हो रही है। लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि कृषि कानून में बदलाव हो सकता है, लेकिन वापस नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।